मैनपुरी में एक बार फिर एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला दाने का है, जहां दहेज लोभियों ने दहेज में 5 लाख रुपए न मिलने पर विवाहिता की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। इतना ही हत्या को छुपाने के लिए शव को मिट्टी के तेल डालकर जलाने का प्रयास किया गया, जिसकी भनक लगते ही मौके पर मायके वाले पहुंचे, जिसको देखकर आरोपी ससुराल वाले शव को छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि करहल क्षेत्र के ग्राम नगला दाने के रहने वाले सिकंदर की शादी जनपद इटावा के कस्बा उसराहार की रहने वाली संगीता के साथ 5 साल पहले हुई थी। विवाहिता के पिता ने अपनी समर्थ के अनुसार शादी में दहेज दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते ससुराल वाले 5 लाख और दहेज की मांग कर रहे थे और शादी के बाद 4 साल से दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करते थे, जिसकी सूचना पीड़िता ने अपने पिता को कई बार की, जिसके बाद परिजन अपने बेटे को मायके ले आए और दहेज उत्पीड़न को लेकर परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद ससुराल वाले समझौता करने की बात करते हुए विवाहिता को वहां से ले आए और कुछ दिनों के बाद ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। आज के लगभग 4-5 साल पहले। 5 साल पहले कहाँ किया था ये शादी? मैंने की थी नगला दानी में। क्या घटना हुई है आज, ये बताइए। आज ये घटना ये हुई है कि लोगों ने मिलकर के दहेज के ऊपर मेरी बहन को आज मार डाला। कल शाम को मार डाला था, मुझे खबर भी नहीं हुई। अच्छा, सबको खेतों पर ले जा रहे थे जलाने के लिए, 1 किलोमीटर खेतों पर जाकर के मुझे सब प्राप्त हुआ। आपने FIR दर्ज करा दी है? हमने FIR दर्ज कराया। कितने लोगों के खिलाफ? 8 लोगों के खिलाफ है। अच्छा, ये सब ससुरालीजन हैं कहाँ? ये इन लोगों के सब भाग गए वहाँ पर, घर पर कोई भी नहीं मिला। कोई नहीं था। अच्छा, मैंने साहब जो है 5 साल में नंगला दानी करी थी अपनी बेटी। अच्छा, तो आज क्या सूचना मिली आपको? आज हमें साहब कोई सूचना नहीं मिली। करहल के लोगन ने, जो हमारे गाँव की नातेदारी थी, उन लोगन ने सूचना दी। जो लोग जो है रात रात चुपचाप मट्टी जलाने के चक्कर में आते हैं, इनमें मेरी लड़की कोई जान लेके। अच्छा, हाँ, 1 किलोमीटर ससुराल वाले। हाँ, ससुराल वाले 1 किलो दूर मट्टी मिली जाने खेत में। अच्छा, तेल पर तो उसमें जो है क्या 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 था? ये लोग जलाने वाले थे क्या बॉडी को? हाँ, लकड़ी थी, मट्टी का तेल था, मोटरसाइकिल के टायर बड़े बड़े थे और वहाँ काफी लकड़ी पड़ी थी। क्यों मार दिया बच्ची को? साहब दहेज के मतलब। अच्छा, क्या मांग करते थे? ये मांग करते थे 5-6 लाख रुपया और अपने। अच्छा, विवाहिता की मौत के बाद जहां परिवार में कोहराम मच गया, वहीं ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। फिलहाल मृतका के परिजनों ने आरोपी ससुराल वालों के 8 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।